तो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज की वीडियो में हम देखेंगे डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इसमें वीडियो में मैं सिर्फ आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, एक एक सम को डिटेलिंग में सॉल्व नहीं करने वाला है। ये अगर आप एग्जाम के 10 मिनट पहले वीडियो देख रहे हो, 20 मिनट पहले वीडियो देख रहे हो, तो ये वीडियो देखने के बाद आराम से आप पेपर में फटाफट सॉल्व करके आ सकते हो। इतना क्लियर हो गया। अगर आपको डिटेलिंग में एक एक सम सीखना है तो उसके सारे वीडियोस मैंने बनाए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। तो अभी मैं ये वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, क्या होता है डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम और एक एक सम में क्या क्या अंतर होते हैं और उसको फटाफट कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होता है, डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम FCFS हम नाम सुना, होता क्या है? सिंपल सा देखो, ये क्या है, ये मेरी हार्ड डिस्क है। इसकी जो ऊपर वो जो प्लेट होती है उसको प्लेटर कहते हैं। ये मेरा रीड राइट हेड होता है। तो ये क्या करता है, अगर यहाँ से किसी ने रिक्वेस्ट की तो इसको यहाँ पे जाके रीड करता है, यहाँ से किसी ने राइट की रिक्वेस्ट की तो यहाँ पे जाके राइट करता है, ठीक है। तो जब बहुत सारी रिक्वेस्ट आ जाती है कि मेरे को भी रीड करो, मेरे को भी राइट करो, मेरे को भी रीड करो, मेरे को भी राइट करो, तो ये हेडर किसको पहले जाके रिक्वेस्ट फिल करेगा, उस पे क्वेश्चन आ जाता है कि किसको पहले करेगा। और उसी चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इतना क्लियर है? तो जब ये यहाँ पे रिक्वेस्ट आई, समझ रहे हो, और मैं उठा के इधर गया, तो इसको कुछ तो टाइम लगा रहेगा, उसको कहते हैं सीक टाइम। इतना क्लियर हुआ? तो ये किसको, चार पांच रिक्वेस्ट एक साथ आ गई तो किसको पहले रिक्वेस्ट फीड करेगा, ये कंफ्यूजन हो गया हेडर के लिए, तब वो यूज करता है डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो बहुत अलग अलग टाइप के एल्गोरिथम है, एक है FCFS, दूसरा है SSTF, स्कैन, सी स्कैन, लूप, सी लूप। तो एक एक करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले एक सवाल मैंने ले लिया है। सवाल में क्या दिया गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है कि मेरे को 200 का मेरा ट्रैक है, एक जो हार्ड डिस्क है उसमें 200 ट्रैक्स है, ठीक है। उसमें से ना रैंडम बहुत सारी रिक्वेस्ट आ गई है, ये रिक्वेस्ट आ गई है, और हेड जो मेरा स्टार्ट है, जहां से मेरा ये हेडर अभी किधर है, 100 पे है। मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, FIFO, SSTF, स्कैन, सी स्कैन, लुक, सी लुक, और बताना सबसे बेस्ट कौन सा है। इतना क्लियर हो गया? 200 का ट्रैक है, ये मेरा रिक्वेस्ट है, 100 मेरा स्टार्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं FCFS में करूंगा। तो FCFS में होता क्या है, सबसे पहले मेरे को क्या करना है, रिक्वेस्ट लिख देनी है, फिर क्यू लिख देना है। क्यू मतलब क्या होता है, 0 आगे डाल दो, 199 पीछे डाल दो। अब सवाल आएगा कि सुमेर 199 क्यों डाला, 200 का ट्रैक है तो 199, 0 से 199 200 होता है, 1000 रहेगा तो 0 से 999। इतना क्लियर हो गया? अब आपको क्या करना है, 0 से 199 तक लिखना है, और बीच में जितनी भी आपकी रिक्वेस्ट थी उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। एक चीज लोग भूल जाते हैं, वो क्या होता है, वो लोग हेड डालना भूल जाते हैं। वो रिक्वेस्ट में तो नहीं था तो मैं हेड बीच में कैसे डालू, कहां से चालू करूं, ऐसा नहीं है। हेड भी आपको डालना है, स्टार्टिंग भी डालना है, एंड डालना है। इतना क्लियर हो गया? अब ये FCFS कैसे काम करता है, FCFS एकदम ईमानदार इंसान है, जो पहले आया उसको पहले, उसका पहले रिक्वेस्ट फील होएगा, ये कोई भेदभाव नहीं रखता, सिंपल सा है। तो ये कैसे काम करेगा, शुरू करूंगा मैं 100 से, फिर मैं दिखूंगा रिक्वेस्ट को, देखना है रिक्वेस्ट में क्या दिखूंगा, 55 पहले आया, 55 की रिक्वेस्ट फुल की, फिर 58 आया, 58 की रिक्वेस्ट फुल की, फिर आया 39, 39 की फुल की, फिर 18, 18 की फुल की, फिर आया 90, 90 की, 160, 150, फिर 38 और 184। एकदम ईमानदार। इतना क्लियर हो गया? अब आपको इसका निकालना है सिक टाइम। सिक टाइम कैसे निकालते हैं, इससे इधर का, इस दोनों का सिक टाइम निकालना है। तो 100 से 55 जाने के लिए कितना टाइम लगा, 100 माइनस 55, 55 से 58 जाने को कितना टाइम लगा, तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस कर दो, 58 माइनस 55 तो कितना आएगा, 58 माइनस 55 3। उसी तरह से 58 से जाने को 39 को कितना लगा, 58 माइनस 39। उसी तरह जैसे आप सिक टाइम निकालो आपको मिलेगा 498 इसका टोटल का। तो FCFS में ये होता है, लेकिन ये हो गया FCFS, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा SSTF। FCFS में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, सीक टाइम उसका बहुत ज्यादा लगता है। वो क्या है ना, जो पहले आया जिसको देना है तो आजू बाजू के लोगों को पहले दे देता तो फटाफट काम हो जाता था, लेकिन नहीं, FCFS बोलता है जो पहले आएगा उसको पहले दूंगा। फिर पिक्चर में आता है SSTF। SSTF क्या बोलता है, देख भाई मैं शुरू जहां से कर रहा हूं ना, मेरे आजू बाजू जो पहले आया उसको, मतलब आजू बाजू जो बंदे हैं मेरे आसपास के लोग, उनको फटाफट मैं रिक्वेस्ट फिल कर देता हूं, दूर के बंदों को बाद में जाऊंगा। तो ये कैसे करता है, वो रिक्वेस्ट लिख दिया, क्यू लिख दिया, 100 बीच में डाल दिया जो कि मेरा हेड है, यहां से देखता है कि मेरे आसपास कौन है, तो देखता है कि 150 जो है वो 50 का डिफरेंस है और 90 10 का डिफरेंस है, तो पहले वो 90 की रिक्वेस्ट फिल करता है। फिर देखता है कि ये कम डिस्टेंस है, ये कुछ 32 का है और ये थोड़ा बहुत ज्यादा 60 का डिस्टेंस है, तो इसकी रिक्वेस्ट फिल करता है। तो वैसे ही आसपास पास पास देख रहा है, अभी इधर कोई रिक्वेस्ट है ही नहीं और एक रिक्वेस्ट यही है, क्योंकि 0 मेरी रिक्वेस्ट नहीं है, 0 तो मेरा स्टार्ट पॉइंट है। तो फिर आके यहां पे अब मैं देखता हूं मेरे पास सबसे पास कौन सी रिक्वेस्ट है, 160, फिर 184। तो ये अपने आस पास को फिल करता है। तो FCFS में और SSTF में हम कोई एंड को नहीं टच करते, समझ रहे हो, कोई भी एंड को हाथ तक नहीं लगाते। इतना क्लियर हो गया? एंड को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो रिक्वेस्ट नहीं है, वो सिर्फ स्टार्ट और एंड है। इतना क्लियर हो गया? तो SSTF क्या करता है, अपने आसपास वालों की रिक्वेस्ट फिल करते जाता है। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, अभी आसपास के बार बार आ रहे हैं तो दूर वाले बंदों को तो मिल ही नहीं रहा ना यार पोजीशन, दूर वाले बंदे तो यार ऐसे ही बटेगा, ऐसा क्या यार तुम लोग तो अपने लोगों को ही कर रहे हो, हमारा क्या नंबर आएगा,
इतना क्लियर आ गया। तो नया पिक्चर में दूसरा एल्गोरिथम आता है जिसका नाम है स्कैन। स्कैन एल्गोरिथम कैसे करता है? स्कैन एल्गोरिथम काम करता है झाड़ू की तरह। झाड़ू मारते ना समझो, मैं सुमेरू, मैं झाड़ू मार रहा हूँ प्लेटफॉर्म पे, तो मैं क्या करूंगा प्लेटफॉर्म पे झाड़ू एक एंड से मारना शुरू करूंगा पूरे एंड तक, फिर यहां से मारूंगा शुरू करूंगा यहां एंड तक, बीच बीच में मारते नहीं रहूंगा, इधर इधर मारूंगा तो उधर बहुत कचरा हो जाएगा। तो एक एंड से शुरू करता हूँ दूसरे एंड तक, और दूसरे एंड से शुरू करता हूँ तीसरे एंड, मतलब वहां तक वापस। तो स्कैन उस तरह से काम करता है, उसी तरह से रिक्वेस्ट लिखनी है, उसी तरह से ट्रैक बनाना है। शुरू करूंगा मैं 100 से। अब सवाल आता है पहले कहाँ जाना है, राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है? पहले से दिया रहेगा कि राइट जाना लेफ्ट जाना, तो आप जा सकते हो, नहीं दिया तो आप अपनी मर्जी से कोई भी चूज कर सकते हो। इतना क्लियर हो गया? तो सबसे पहले मैं ये साइड जाऊंगा, पूरा 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 जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसको फिल करूंगा, और साथ में एंड पे भी जाऊंगा, 199 पे मैं जाऊंगा। स्कैन में मैं लास्ट में जाता हूँ। इतना क्लियर हो गया? तो स्कैन में मैं एकदम लास्ट में जाऊंगा कि मेरा प्लेटफॉर्म का सबसे लास्ट वाला जो पोजीशन है, चाहे उधर कचरा हो या ना हो, फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट हो या ना हो, मैं पूरे एंड पे जाऊंगा। फिर एक बार इधर मैंने सारी रिक्वेस्ट फिल कर दी, मैं फिर मैं वापस आऊंगा यहां तक। और अगर यहां पे मेरे को जीरो के जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं सारी रिक्वेस्ट 18 पे ही खत्म हो गई है, अगर और कोई रिक्वेस्ट होती तो मैं आगे बढ़ता, ठीक है। तो यहां से मैं शुरू करूंगा एक एंड तक, पूरे एंड तक जाऊंगा, चाहे वो मेरा एंडिंग है तो एंडिंग पे भी जाऊंगा, उधर रिक्वेस्ट हो या ना हो। फिर वापस आते टाइम जो भी बीच बीच में रिक्वेस्ट आ रही है उसको फिल करूंगा, और यहां पे मेरी एक रिक्वेस्ट सारी खत्म हो गई तो यहां पे मैं रुक जाऊंगा। स्कैन इस तरह से काम करता है। उसके बाद एक और चीज पिक्चर में आती है जिसको कहते हैं सी स्कैन। सी स्कैन क्यों करता है? फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूं आपको कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां से झाड़ू मारना शुरू किया, यहां तक आया, लेकिन अभी सबसे ज्यादा कचरा किधर होगा? इधर तो नया नया ताजा ताजा है, तो यहाँ पे साफ सफाई, यहाँ पे साफ सफाई ज्यादा रहेगी, लेकिन यहाँ पे ज्यादा कचरा हो गया। तो इसलिए सी स्कैन पिक्चर में क्या करता है, सी स्कैन यहाँ से झाड़ू मारना इधर तक आएगा, फिर यहाँ से फटाफट दौड़ के चला जाएगा, यहाँ पे बीच में किसी को भी रिक्वेस्ट फिल नहीं करेगा, झाड़ू नहीं मारेगा, सीधा यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, फिर वापस शुरू करेगा। तो उस तरह से सी स्कैन काम करता है। चलो देखते हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट फिल करनी शुरू की, यहाँ पे एंड पे आया, फिर यहाँ पे मैंने किसी की रिक्वेस्ट नहीं फिल की, सीधा जीरो पे आ गया मैं, ठीक है। फिर वहां से वापस मैंने सबकी रिक्वेस्ट फिल करनी शुरू किया। तो यहाँ पे जो नए नए बंदे थे, जो मतलब सबसे ज्यादा कचरा यही जमा हो गया था ना, क्योंकि यहाँ तो ताजा ताजा मैंने सारे कचरे फिल कर दिए थे, समझ रहे हो साफ। तो वहां बिना किसी का रिक्वेस्ट फिल किए, बिना किसी का कचरा साफ किए, मैं इधर आता हूँ और यहाँ से वापस काम करना शुरू करता हूँ। तो ये क्या काम करता है, सी स्कैन। प्रॉब्लम कहती है कि मैं बेफालतू 199 पे जा रहा हूँ, जीरो पे जा रहा हूँ, यहाँ पे जाने की कोई जरूरत थी क्या? कुछ जरूरत नहीं थी। फिर मैं क्यों जा रहा हूँ ये उनको दिमाग में बाद में आया, तो उन्होंने फिर नया पिक्चर में लाया जिसका नाम है लुक। लुक में क्या होता है मैं बता देता हूँ। लुक में ये क्या करता है, ये सीधा स्कैन की तरह काम करता है, एक साइड पर जाएगा और फिर दूसरे प्लेटफॉर्म को रिक्वेस्ट साफ करते करते जाएगा, लेकिन ये एंड तक नहीं जाएगा, ये किधर तक नहीं जाएगा या एंड तक नहीं जाएगा, ये क्या जाएगा जहां तक रिक्वेस्ट है वहीं तक, और फिर वहां से वापस आएगा और बीच में जो भी आएगा उसकी रिक्वेस्ट फिल करने जाएगा। तो प्रॉब्लम तो वही थी कि जो ताजा, यहां से मैं यहां तक जा रहा हूं लेकिन यहां तो सबसे ज्यादा कचरा हो गया ना, यहां तो ताजा ताजा मैंने साफ किया, इसीलिए मैं क्या करता हूं यहां से यहां पे जाऊंगा फिर वापस, इसीलिए पिक्चर में आता है सी लुक। तो लुक में सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, यहां से जाऊंगा यहां तक, एंड तक नहीं जाऊंगा, जहां तक रिक्वेस्ट है वहां तक जाऊंगा, वापस आते टाइम भी जो जो बीच बीच में आ रहा है, जिसकी रिक्वेस्ट पे आ रहा है मैं फिल कर रहा हूँ। तो ये पिक्चर था लुक का। सी लुक में क्या होता है देखते हैं, सी लुक में वही सीन है भाई। देख सी लुक क्या करता है, ईमानदार आदमी है, वो क्या करता है यहां से शुरू किया था यहां तक, तो यहां का तो ताजी ताजी सफाई है, लेकिन यहां पे तो बहुत कचरा हो गया ना, इसलिए मैं क्या करूंगा यहां से शुरू करूंगा यहां तक, फिर यहां से दौड़ के वापस आऊंगा, किसी की भी रिक्वेस्ट फिल नहीं करूंगा और यहां से वापस शुरू करूंगा। उसी तरह से सी लुक भी करता है। सी लुक क्या करता है, यहां से शुरू करता है, धप 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 रिक्वेस्ट फिल की, सबसे एंड में नहीं गया मैं, सिर्फ इधर तक गया। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैं सीधा चल के गया मेरे इधर तक, एकदम लास्ट नहीं गया, इधर की लास्ट रिक्वेस्ट तक गया। इतना क्लियर है? और फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने वापस इनकी रिक्वेस्ट फिल करनी शुरू की। तो सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा फास्ट हुआ रहेगा तो कोई बात नहीं, मेरा काम है आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट्स बताना और सिखाना। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। इसके मैंने पूरे नोट्स बनाए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी गई है किस तरह से हम हमारे नोट्स दे सकते हो, देख सकते हो। और अच्छा लगा तो शेयर करो अपने सारे दोस्तों को। सारे वीडियोस मेरे OS के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, और प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करो, मजा आ जाएगा। अगर आपको और भी कोर्सेज लेने हैं तो www.lastmomentintuition.com पे जाके ले सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज है और यू विल रियली लव इट। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने सारे दोस्तों को जो अपनी तरह लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं, और बस बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स, मचाते रहो।